हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ERP 9 और प्राइम को लेकर के थोड़ा कंपेयर करेंगे। और जो PDF में आपका फाइल नहीं आ रहा है या एक्सेल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है या इमेज फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टैली को स्टार्ट करते हैं। ये टैली ERP 9 ओपन है। अब सवाल ये उठता है कि कई लोग कहते हैं ये देखिए ये प्राइम है और ये ERP 9 है, पीछे ये प्राइम ओपन है और ये ERP 9 है। तो सवाल बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सर मेरे में ERP 9 तो इंस्टॉल हो रहा है, प्राइम नहीं इंस्टॉल हो रहा है। तो प्राइम को इंस्टॉल होने के लिए 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit का है तब तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, अदरवाइज वो इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आप विंडोज 7 यूज करते हैं तो 10 यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टॉल हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन देने के बाद अब बात कर लेते हैं प्रिंटिंग के ऊपर। तो यहाँ पर टैली ERP 9 ओपन है, तो यहाँ से आ जाते हैं थोड़ा सा डिस्प्ले में और यहाँ पर देखिए इसकी प्रिंटिंग करवानी है। तो PDF में करवाना है या एक्सेल फॉर्मेट में? मान लीजिए अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में करवाना है तो क्या करना होगा, Alt P प्रेस करते हैं आप, Alt P। ठीक है, ये देखिए ये प्रेस किया हमने Alt P और एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्सपोर्ट आ रहा है, ऊपर एक्सपोर्ट आ रहा है। आप शॉर्टकट की Alt E भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाती है वाउचर एक्सपोर्ट वाली। ठीक है, यहाँ डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज ही आपको रहने देना है। ठीक है, अब मान लीजिए आप फाइल का फॉर्मेट JPG रखना चाहते हैं तो यहाँ से इमेज कर लीजिए और कंट्रोल ए कर लीजिए, ये फाइल एक्सपोर्ट हो गई है। एक्सेल में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, एक्सेल में लेके आना चाहते हैं, तो वापिस से Alt P प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट पे चलते हैं और अब एक्सेल में इसको लेके आएंगे। ये जो प्रिंट होगा ना, ये एक्सेल फॉर्मेट पे प्रिंट होगा। अभी तक तो JPG हुआ ये, अब एक्सेल करते हैं इसको। ये एक्सेल किया हमने, कंट्रोल ए कर देते हैं और यहां से एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको। तो जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। देखिए ये एक्सपोर्ट भी हो रही है, अब ये ओपन हुआ एक्सेल में, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सेल में ओपन हो जाएगा। आप JPG में भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, JPG में भी ऐसा ही हो जाएगा। यहां से आप पहले इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, यहां से आप Alt P प्रेस कीजिएगा, जैसे ही प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन होगी ये इस तरीके से, और यहाँ से एक्सपोर्ट पे चले जाइएगा और यहाँ से आप कर लीजिएगा इसको JPG। ठीक है, डिफॉल्ट लैंग्वेज हो गया और यहाँ से JPG कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप PDF में लाना चाहते हैं तो PDF कर सकते हैं। तो सारा आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ पर। बाहर आते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ERP 9 तो हो गया, अब बात कर लेते हैं प्राइम की। तो ये प्राइम ओपन है हमारे पास, Alt P प्रेस करते हैं। ठीक है, एंटर किया, जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको इस तरह का एक सिनेरियो नजर आएगा। यहां पर आपको Alt के साथ E प्रेस करना है, Alt E। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आएगा, एंटर करिए और अब यहां पे दिया हुआ है फाइल फॉर्मेट F8, फंक्शन बटन F8 प्रेस कर दीजिए। F8 प्रेस किया, आप यहां पर देखिए अलग अलग फाइल फॉर्मेट आपको मिल रहा है। अगर JPG चाहिए तो आप JPG कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको किसमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये Export 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से लोकल ड्राइव में हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं, बाकी सारी चीजें सही हैं तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और फिर ये फोटो में ओपन होगा। देखिए ये फोटो, देखिए ये JPG में एक्सपोर्ट हो गया है, देख सकते हैं। इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये JPG है। ठीक है, इसको PDF में लेके आना है तो PDF में लेके आना, और भी आसान है। PDF में कैसे लेके आ सकते हैं, Alt P प्रेस कीजिए, ये सिंपल है, एंटर करिएगा और यहां से आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको यहां पे नजर आएगा। तो बस एक्सपोर्ट पे जाइए और एंटर कर दीजिए, एंटर किया। अब इसको कौन से फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो यहां पर अभी हम PDF में एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो ये PDF हो गया और अब आप प्रेस करिए एंटर। ठीक है, तो ये PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी भी ये JPG ही दिखा रहा है। तो PDF में एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको एक बार क्लोज करते हैं, फिर यहां से इसको इस तरीके से लेके आते हैं, Alt P प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करने के बाद यहां से एक्सपोर्ट पे जाते हैं और एंटर करके, और फिर इसको हम ये फाइल फॉर्मेट आ गया, यहां पे जाएंगे और यहां से अब PDF में इसको एक्सपोर्ट कराएंगे। तो एंटर किया हमने, एंटर कर लिया। ठीक है, और अब एंटर कर दीजिए इसको, तो ये हो गया हमारा, ये PDF हो गया। देखिए ये PDF में आ भी गया है, देख सकते हैं ये हमारा PDF फॉर्मेट है, इसके पहले हम JPG में लेके आए थे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।